हेलो गाइस, तो काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे पॉजिटिव। इस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन मिला है, तो मैंने सोचा दोबारा से स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना। तो हम लोग देख रहे थे, सीरीज चालू करी थी एक, जिसमें हम टॉपिक्स देख रहे थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे जल्दी से कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर किया जाए। बिकॉज बड़ी क्लास में सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है और टाइम कम रह जाता है, और सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, तो आप दो सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो दो पे टाइम कम दे पाते हो, काफ़ी ऑब्जर्व किया होगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मार्क्स स्कोर किए जा सके अच्छे से अच्छा। आपको पहला थिंग तो ध्यान रखना है कि पहले तो कोशिश करनी है सारा कर लो आप, बट अगर आप सारा नहीं कर पाते हो देन इन वीडियोस को देखना है। कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो सारा, तो आपको सबसे पहले ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ इनको करके जाना है, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बाद में कुछ करना है। ठीक है गाइस, तो चालू करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है आज क्लास ट्वेल्थ का, ये क्लास ट्वेल्थ में सॉल्यूशन चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक आपको जो करना है ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विद वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है, देखो इस बार जो 2021 का सिलेबस है इसमें वेंट ऑफ फैक्टर तो कट गया है, बट आगे ये वापस से इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। पहले जो होता था क्वेश्चन हमेशा इन दोनों टॉपिक को लगा के आता था, कंबाइन करके आता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वेंट ऑफ फैक्टर। अब की बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ है, ये कट चुका है, तो इसका आपको ध्यान नहीं देना है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस जिसका है, इसमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, ऑस्मोसिस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने कर लेनी है। इनके चारों के फॉर्मूले हैं, बेसिकली चारों में फॉर्मूले हैं एंड ग्राफ है, फॉर्मूला ग्राफ पढ़ लेना है आपने, और इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी ऑस्मोसिस में है, जो आपकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली ऑस्मोसिस, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो आपको देख लेनी है। ऑस्मोसिस की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है ज़्यादा, प्लस फार्मूला, थ्योरी प्लस फार्मूला, बाकी जितनी भी आपको उनमें सब में मेन फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी के, कौन कौन से, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करने हैं इसमें, कुछ ही एक क्वेश्चंस हैं वही आप कर लेना। एग्जांपल में आपको 6 7 8 9 7 8 9 10 11 एग्जाम्पल 10 11 तक आप कर लीजिए, और इन टेक्स्ट में आप आएंगे तो इन टेक्स्ट में 9 से लेकर 12 तक सारे आप कर लीजिए। और एक्सरसाइज में अगर आप आ रहे हैं तो एक्सरसाइज में आप 31, 32, 33, 20, 19 and 22 ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए। अच्छा गाइज, मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में 65 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं टोटल क्वेश्चंस, और मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कितने? ओनली 30। तो मैंने बिल्कुल आधे कर दिए हैं, 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं 65 के, बिल्कुल हाफ। तो आपका बिल्कुल आधा टाइम लगेगा। अगर आप पहले इस चैप्टर को 4 घंटे में फिनिश करते थे तो अब आप 2 घंटे में फिनिश कर लोगे, अगर यही क्वेश्चंस आप सिर्फ करते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो बाहर से आ जाएगा, इसी में से आपको पेपर मिलेगा। 80% प्लस चांसेस है आपको कि इसी में से आएगा, 80 से अबव इसमें से आएगा। एक आधा क्वेश्चन कोई बाई चांस वेरी कर सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से है, इसी टाइप के होंगे वो क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपके पास आता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ की आपके पास डेफिनेशन पढ़नी है, राउल्ट्स लॉ की डिफाइन क्या होती है, देन इसका आपको रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन एंड फॉर्मूले। इसमें दोनों चीज़ों के लिए आप पढ़ना है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी पढ़ना है एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी पढ़ना है, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए पढ़ने हैं, दोनों के लिए फॉर्मूले आपको कवर करने हैं। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, दो टाइप के सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल, ये आपको कवर करना है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, आइडियल एंड नॉन आइडियल, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये आपको पढ़ लेना है, आइडियल और नॉन आइडियल की प्रॉपर्टीज, प्लस इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में, तो एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिए वो आप एक दो याद कर लीजिएगा, प्लस इनके ग्राफ आपको ग्राफ में पता होना चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी, ये आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ का। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें राउल्ट्स लॉ, लिक्विड इन लिक्विड को हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को। एग्जाम्पल क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, एग्जाम्पल 5 है इसके ऊपर जो बेस्ड है बस, ये आप ट्राई कीजिए। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप ट्राई कीजिए।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 15, 16, 17, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 34, 36 एंड 38, ये क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कीजिए, बस सफिशिएंट है, यहाँ से आप कर लेंगे, राउंड्स लॉ हो जाएगा आपका कवर। और लास्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ लेना है। हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है इसका और कुछ नहीं है, बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको इसमें। एंड देन इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक एप्लीकेशन मिलेगा, ये आपको पढ़ना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाद आपको एक कंडीशन मिलेगी, मेडिकल कंडीशन मेंट्स, ये वाला एग्जांपल भी आपको पढ़ना है। और एक कंडीशन मिलती है एनोक्सिया, ये भी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, और इसके एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेंट्स और एनोक्सिया, ये तीन आपको कवर कर लेने हैं। हेनरी लॉ के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको पढ़ लेना है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कर लेने हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 35 एंड 39, 13, 35 एंड 39, ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। प्लस अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको, ये वेंटो फैक्टर के क्वेश्चंस कटे हुए हैं, ऊपर आएंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इसमें सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बताए हैं। अब मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये नेक्स्ट ईयर अगर आपका सिलेबस में वेंटो फैक्टर वापस ऐड हो जाए तो आपको पढ़ लेने हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्लस वैंट ऑफ फैक्टर, इनके क्वेश्चंस कंबाइन करके आते हैं, बेसिकली आई इंक्लूडेड होता है, वो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। अब की बार वैंट ऑफ फैक्टर कट गया इसलिए सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके ऊपर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इन टेक्स्ट के कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर, इन टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है वैंट ऑफ फैक्टर लगा के, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। और एक्सरसाइज में ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारे एनसीईआरटी बुक से डिस्कस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपसे वो हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इन पे आपका हाथ पक्का हो जाता है, आपको कोई डाउट नहीं रहता, कोई इशू नहीं रहता, देन आप कोई अदर बुक और अदर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, बाकी ये सफिशियंट है। और एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में आपको कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41, आई थिंक 40-41 जो है ये वेंटो फैक्टर को इंक्लूड करके हैं, ये दो क्वेश्चन तो वेंटो फैक्टर लगा के हैं। वेंटो फैक्टर के क्वेश्चन थोड़े से एनसीईआरटी में कम है, हो सकेगा तो आप 10 ईयर्स रेफर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस दो चार एक्स्ट्रा लगाइए, ये प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, बाहर से भी दो चार क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, बट अभी इस साल के लिए आप फ्री रहेंगे, इस साल वेंटो फैक्टर कट गया है। तो बस यही है गाइज, आपको इतना ही कर लेना है, बाकी मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ्यूचर में भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा जितना हेल्प हो सके बच्चों की, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में कि यही सबसे बड़ा इशू रहता है कि टाइम कम पड़ जाता है और सिलेबस हो नहीं पाता। फिर उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है तो हम बाकी चीज़ें भी छोड़ने लग जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा, हार मानने लग जाते हैं। तो बस यही है कि आपको हार नहीं माननी है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एंड स्लो प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एंड स्लो प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर देन द नो प्रोग्रेस। तो अगर आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर इतना भी कर ले रहे हो आप, तो मोर देन एनएफ है, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि 80 प्लस मार्क्स आपको ये दिला देंगे, 80 प्लस आराम से दिला देंगे, एंड 80 प्लस इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। बिकॉज जब आप नहीं पढ़ के जाते हो, पेपर देखते हो पेपर में ऐसा लगता है कि काश पढ़ लिया होता, तो वहाँ पे हमको रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा, काश पढ़ लिया होता, थोड़ा ही पढ़ लिया होता। बिकॉज एनसीईआरटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ईजी होता है, बहुत ही लो लेवल का होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है, इतना ही पढ़ लेना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिलता है तो इससे ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट्स आपके बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हैं, उसी से मोटिवेशन मिला है इसीलिए मैंने दोबारा चालू किया है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज़।